आप लोग को का लगातार शुरू से ही आशीर्वाद और प्यार समर्थन लगातार मिलता रहा। आज हम लोग जो कुछ है आप लोगों के बदौलत है, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का पिता आदरणीय लालू जी ने आप लोगों को धन्यवाद कहा है कि जाना बेटा तो बोलना गोपालगंज की जनता से, ये तो गोपालगंज हमारा गृह जिला है, हमारा घर है, लालू जी का जन्म स्थल, हमारा ननिहाल दादी घर सब यही है। सब लोग जान रहे कि भाजपा का क्या हाल हुआ। आज पूरे बिहार विधानसभा में एक पार्टी छोड़ दीजिए खाली भाजपा और सारा पार्टी एक हो गया। तेजस्वी यादव का आगमन हो चुका है, गोपालगंज उपचुनाव जहाँ होने वाले हैं, तेजस्वी यादव आ चुके हैं। देखिए यही तेजस्वी यादव है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आगमन हो चुका है गोपालगंज की धरती पे जहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। मोहन प्रसाद गुप्ता जो इनका कैंडिडेट है उनके समर्थन में पहुंचे हैं। देखिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं यहाँ पे गोपालगंज उपचुनाव जहाँ होने वाले हैं आज जनसभा। देखिए यहाँ पे महागठबंधन के सारे यहाँ पे नेता मौजूद हैं और तेजस्वी यादव का गृह जिला है गोपालगंज जहाँ पे इलाज चल रहा है और आज शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित नहीं है। कुछ दिनों पहले ही वो सिंगापुर से आए हैं और कुछ दिनों बाद अगले महीने उनका किडनी का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सिंगापुर में फिर होना है, जिसको देखते हुए वो आज हम लोगों के बीच में यहाँ नहीं है। फिर उनको जाना है सिंगापुर, किडनी का ट्रांसप्लांट होना है, उसकी सारी प्रक्रिया जो है पूरी की जा रही है। लेकिन हमारे राष्ट्र अध्यक्ष और हमारे पिता आदरणीय लालू जी ने आप लोगों को धन्यवाद कहा है कि जाना बेटा तो बोलना गोपालगंज की जनता से, ये तो गोपालगंज हमारा गृह जिला है, हमारा घर है, लालू जी का जन्म स्थल, हमारा ननिहाल दादी घर सब यही है। और आप लोग का लगातार शुरू से ही आशीर्वाद और प्यार और समर्थन लगातार मिलता रहा। आज हम लोग जो कुछ है आप लोगों के बदौलत है, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कुछ हम सब लोगों ने महागठबंधन के साथियों ने और खास तौर पे जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने निर्णय लिया देश हित के लिए, बिहार के हित के लिए, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के लिए कि फिर से महागठबंधन बना करके एक देश में संदेश भेजा जाए कि जो तानाशाह का जो माहौल है इससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और महागठबंधन बना। और बनने के बाद आप लोग सब लोग जान रहे कि भाजपा का क्या हाल हुआ। आज पूरे बिहार विधानसभा में एक पार्टी छोड़ दीजिए खाली भाजपा और सारा पार्टी एक हो गया। बेरोजगारी, गरीबी, भाई नीचे तो बना कितना पड़ा किसी को भाई मेरे, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों का मामला, किसानों का है दुगना हो, मजदूरों की लड़ाई, ये सब असल मुद्दा है देश।